ये फ्रेंड्स, तो आज मैं बताने वाली हूँ आप कुर्ती पर डबल कॉलर किस तरह से अटैच कर सकते हो। और इस कॉलर की कटिंग का वीडियो मैं पहले शॉर्ट वीडियो में दे चुकी हूँ। तो पहले हम बुकरम को एक कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे और चारों तरफ से आधा आधा इंच का मार्जिन देते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। अब बुकरम और कपड़े को एक दूसरे कपड़े पर रखना है और बुकरम के किनारे किनारे तीनों तरफ से इसको सिल देना है। तो जो हमने दूसरा कपड़ा दिया था उसको भी हमने आधा इंच का मार्जिन देते हुए कट कर दिया था। अब बुकरम इस तरह से हमारे कपड़े से अटैच हो गई है, तो जहाँ से हमने गोलाई दी थी वहाँ से हम कट लगा लेंगे। अब हम बुकरम को यहाँ पर सीधी तरफ फ्लिप कर देंगे। तो हमने जो बुकरम वाली साइड पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ा था, वो मार्जिन हम बुकरम पर फोल्ड करते हुए पूरा सिल देंगे इस तरह से। तो अब कॉलर का सेंटर कट लगाएंगे और कुर्ती के नेक पर भी हम सेंटर कट लगाएंगे पीछे की तरफ। और हम दोनों का इस तरह से सेंटर मिला लेंगे और हमें कॉलर को कुर्ती के रोंग वाली साइड से सिलना है, मतलब उल्टी साइड से। और जो मार्जिन आ रहा है आधा इंच का, वो सीधी तरफ आएगा। उसके बाद कॉलर और कुर्ती दोनों को अटैच कर देना है और फ्रंट साइड पे अच्छे से दो तीन बार सिलाई लगा के उसको लॉक कर देना है। तो कॉलर लग गया है एक साइड से, दूसरी साइड भी इसी तरह से अटैच कर देंगे पूरा कॉलर। तो ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन था ये कॉलर के अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम ऊपर से कॉलर पर सिलाई लगा देंगे। और कॉलर पे पहले मैंने बुकरम की तरफ से इसीलिए सिलाई लगाई थी जिससे कि बाद में इसको फोल्ड करने में कोई दिक्कत ना हो। अब पूरे कॉलर पर हम एक पैर के मार्जिन से टॉप सिलाई लगा देंगे। तो कॉलर अटैच करने के बाद मेरे पास एक ब्लैक लेस पड़ी हुई थी जो कि मैंने इसके कॉलर पर अटैच की थी। और उसके बाद मैंने इसको कुर्ती के नेक पर भी वी बनाते हुए सिल दिया था। तो यहाँ पे हमारा कॉलर कुर्ती के साथ अटैच हो गया है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।